तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube वीडियोस में। आज के इस वीडियो में जो हम वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं वो BSF से संबंधित है, सीमा सुरक्षा बल से। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए भर्ती निकाली गई है BSF में। तो चलिए इसी वैकेंसी के बारे में कुछ डिटेल जानते हैं, पता करते हैं कि क्या क्या इस वैकेंसी के अंदर है और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्म है 20 अगस्त से भरे जाने शुरू हो गए हैं, 20 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। साथ में बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो इसकी लास्ट डेट जो है 19 सितंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है, और 19 सितंबर 2022 तक ही इसकी फ़ीस का आपको भुगतान कर देना है। परीक्षा की जो तिथि है यहाँ पर जल्द इसकी डिपार्टमेंट द्वारा जो है अधिसूचित की जाएगी, तो इसकी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। आगे बात करें तो यहाँ पर फीस कितनी लगनी है, तो यहाँ पर सामान्य OBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर इनको ₹200 फीस जो है भुगतान करना होगा। साथ में बात करें ST SC और हैंडीकैप के कैंडिडेट हैं, इनको भी कोई भी यहाँ पर फीस नहीं लगनी है, और महिला जो जितनी भी कैटेगरी की महिला हैं उनको किसी भी प्रकार की यहाँ पर फीस नहीं लगनी है। और साथ में इसका जो पेमेंट मोड है ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से भी आप इसका भुगतान कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर BSF हेड कांस्टेबल RO और RM के लिए। तो यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो इसकी आयु सीमा का जो कैलकुलेशन है वो 18/9/2022 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, जिसके हिसाब से जो आपकी न्यूनतम आयु है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है आपकी आयु यहाँ पर 25 वर्ष होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक भर्ती 2022 के नियम अनुसार यहाँ पर जो है आपको आयु में भी छूट मिलेगी। तो आयु में भी छूट मिलेगी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पर। आगे बात करें पोस्ट की, तो यहाँ पर कुल रिक्तियों का विवरण, यहाँ पर 1312 पोस्ट के लिए यहाँ पर ये भर्ती निकाली गई है रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की। साथ में बात करें तो यहाँ पर क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, योग्यता की बात करें तो PCM सब्जेक्ट आपका होना चाहिए यहाँ पर विषय में जो है, न्यूनतम आपके 60% होने चाहिए अंकों के साथ, भौतिक, रसायन, विज्ञान और गणित के साथ आपको 10वीं की कक्षा यहाँ पर पास होनी चाहिए, अथवा यहाँ पर आपको जो है 10वीं मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल रेडियो टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक्स CPA डेटा तैयारी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस टाइप के जो है कोर्सेज आपके यहाँ पर ITI के माध्यम से होने चाहिए। आगे बात करें यहाँ पर शारीरिक पात्रता की, तो शारीरिक पात्रता के हिसाब से यहाँ पर पुरुषों के लिए यहाँ पर हाइट का जो है 168 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर हाइट होनी चाहिए, और जो सीना जो है आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होना कंपलसरी है। आगे बात करें रेडियो मैकेनिक के लिए क्या क्या योग्यता यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी PCM सब्जेक्ट होना चाहिए 60% के साथ आपका, भौतिक, रसायन, विज्ञान, गणित के साथ यहाँ पर 12वीं आपका क्लियर होना चाहिए, और या तो फिर आपका यहाँ पर ITI होना चाहिए रेडियो टेलीविज़न जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर डेटा सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर आदि जो है ITI की जो ट्रेड है इससे आपका यहाँ पर ITI कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसको भर पाएंगे। साथ में शारीरिक पात्रता है इसकी जो है यहाँ पर वही सेम पुरुष की जो ऊंचाई है यहाँ पर 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और 80 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, महिलाओं के लिए फिर से वही 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो लगभग लगभग दोनों के लिए यहाँ पर योग्यता सेम मांगी गई है रेडियो मैकेनिक और रेडियो जो है ऑपरेटर के लिए। आगे बात करें आप इसको कैसे फिल करेंगे इस फॉर्म को, तो फॉर्म फिलने करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फॉर्म भरने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आप वहाँ पढ़ सकते हो, और BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, और ऐसी ही जानकारी और प्राप्त करने के लिए आप हमारे अलग प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हो, जिससे कि आपको यहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी, जानकारी पहुँचती रहेगी आप तक। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।